लिंक में दे देता हूँ सारे ग्रुप्स पे, जितने 5-6 ग्रुप्स रेगुलर फ्रेशर के 5 हैं, शायद पता नहीं कितने ग्रुप्स हैं, सब पे दे देता हूँ। मुझे आज ही इनरोल हुआ, कोई मसला नहीं, मैं दोबारा शेयर कर देता सबके साथ। शिराज सुनिएगा दोस्त, बैठ जाओ मेरे बच्चे, पूरा फोकस बोर्ड पर, सारी चीजें छोड़ के पूरा 100% फोकस बोर्ड पर करना है। मुझे एक बात बताएं सर, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हम कॉस्ट पहले बजट करते हैं कॉस्ट बकेट्स में, याद आ रहा है? ये कौन सी कॉस्ट होती है? ओवरहेड्स की कॉस्ट होती है। फिर इन ओवरहेड्स की कॉस्ट को हम डिफरेंट कॉस्ट पूल्स में खाली कर देते हैं ऐसा, और फिर इस कॉस्ट, हर एक कॉस्ट पूल का एक ओएआर होता है ऐसा, और इस ओएआर से हम ओवरहेड्स एलोकेट करते हैं किसको? प्रोडक्ट्स को, ऐसा। आए जरा सर प्रैक्टिकली देख लें इसको, साउंड नहीं आ रही है, मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? ठीक है जी, चलो आज हम ये चैप्टर ना इंशाअल्लाह ताला अच्छा खासा कंप्लीट कर लेंगे। मेरे बच्चों पूरा फोकस, पूरा फोकस, पूरा फोकस। सर देखिए, एक कंपनी में, और तो सुनना, एक कंपनी में सर दो तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये कंपनी है सर, इसमें एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कौन सा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर दूसरा भी डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर तीसरा डिपार्टमेंट भी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्या मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट? सर इस जगह पे फिजिकली गुड्स प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है जी। जैसे मिसाल के तौर पर ये कंपनी एक पेन बनाती है, तो पेन कहाँ प्रोड्यूस हो रहा होगा? इन तीनों डिपार्टमेंट्स में, कोई एक पुर्जा बना रहा होगा, कोई दूसरा बना रहा होगा, कोई असेंबली कर रहा होगा। इन तीनों डिपार्टमेंट्स में क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? गुड्स। जिस डिपार्टमेंट में, जिस जगह पे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं फैक्ट्री में, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्या कहते हैं? अच्छा, फिर सर इसी फैक्ट्री में ना एक छोटी सी कैंटीन है, ये चाय पकौड़े बना रही है सर, चाय पराठे जो भी है। सर बराबर में एक और डिपार्टमेंट है, मशीन सपोर्ट डिपार्टमेंट। ये क्या करता है? इन जॉब, इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में अगर कोई मशीन खराब हो जाती है तो ये जाता है उसको सही करके आ जाता है ऐसा। मुझे बताओ ये जो दोनों डिपार्टमेंट्स हैं, क्या ये प्रोडक्शन कर रहे हैं? नहीं सर, ये सर्व कर रहे हैं। किसको सर्व कर रहे हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहे हैं। ये दोनों कहलाते हैं सर्विस डिपार्टमेंट। क्या कहलाते हैं? आइंदा के बाद जब हम वर्ड सुने सर्विस डिपार्टमेंट, इसका मतलब यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रही है। ये डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है ऐसा। प्रोडक्शन कहाँ हो रही है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में हो रही है। प्रोडक्शन कहाँ हो रही है? जो गुड्स जा रही है किन डिपार्टमेंट्स में जा रही है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में। सर्विस डिपार्टमेंट में गुड्स नहीं जाती है, सर्विस डिपार्टमेंट में सिर्फ हेल्प किया जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ऐसा। कैंटीन किसको हेल्प कर रही होगी? में भी मशीन सपोर्ट डिपार्टमेंट को भी हेल्प कर रही हो, चाय वहां भी दे रही हो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन में भी चाय दे रही होगी, बी में भी चाय दे रही होगी। चाय से प्रोडक्ट का क्या ताल्लुक है? जो मजदूर है वो चाको चौबंद रहे, वो तेज रहे, वो सुस्त ना पड़े, तो उनको चाय और जो नशा वशा सारा यहाँ से दस्तयाब हो, ठीक है जी। मशीन सपोर्ट वाला सर, जो मशीन खराब हो जाए तो ये क्या करे? फौरन से पहुंच जाए। तो सर इसका मतलब है हमारे पास दो टाइप के डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, सर्विस डिपार्टमेंट्स। गुड्स कहाँ प्रोड्यूस हो रही है? प्रोडक्शन में। अब सुनना, क्या सर्विस डिपार्टमेंट भी फैक्ट्री के अंदर ही है? हाँ ऐसा ही है, सर्विस डिपार्टमेंट भी फैक्ट्री के अंदर ही है। क्या जो लाइट वाइट लगी हुई है सर्विस डिपार्टमेंट को भी इसका बेनिफिट मिलता है? हाँ मिलता है सर, सर्विस डिपार्टमेंट को भी इसका बेनिफिट मिलता है। जब पराठे बन रहे होते हैं तो उसके नीचे भी आग लगी होती है, भट्टी में भी आग लगी होती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी आग लगी होती है, फ्यूल हर जगह इस्तेमाल हो रहा होता है ऐसा। इसका मतलब है सर कॉस्ट किन जगहों पर इनकर हो रही होती है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में भी इनकर हो रही है और सर्विस डिपार्टमेंट भी इनकर हो रही है। और तो सुनना मेरे बच्चों, में बहुत टेक्निकल बात करने जा रहा हूँ।
क्या सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट का बेनिफिट प्रोडक्ट्स डायरेक्ट ले रहे होते हैं? नहीं। क्या सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट का बेनिफिट प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं? गौर से सुनना, क्या सर्विस डिपार्टमेंट का बेनिफिट प्रोडक्ट्स डायरेक्टली ले रहे होते हैं? क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट का बेनिफिट प्रोडक्ट्स डायरेक्ट लेते हैं? हाँ। सर्विस डिपार्टमेंट का बेनिफिट कौन लेता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्ट नहीं लेते, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं लेते, कौन लेता है? मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट बातें बताई, एक कंपनी के अंदर दो टाइप के डिपार्टमेंट्स है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो जहां प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एक एक रुपए की कॉस्ट का बेनिफिट कौन ले रहा है? प्रोडक्ट्स ले रहे हैं सर। सर्विस डिपार्टमेंट वो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को हेल्प कर रहा है, इसकी कॉस्ट का बेनिफिट कौन लेता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लेते हैं। ऐसा, ये बात समझ आती है? क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट डायरेक्ट प्रोडक्ट्स को एलोकेट हो सकती है? हाँ। सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट पहले एलोकेट होगी किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से लेके हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट्स को देंगे। ऐसा, फिर रिपीट कर रहा हूं, सर्विस डिपार्टमेंट कोई बेनिफिट प्रोडक्ट्स को नहीं देता। किसको बेनिफिट देता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसको बेनिफिट देते हैं? तो पहले सर्विस डिपार्टमेंट से कॉस्ट लेके किसको दे देनी है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कॉस्ट लेके किसको दे देनी है? ऐसा। आओ जरा करते हैं, देखते हैं क्या हिसाब किताब है। बोर्ड पे देखना मेरे बच्चों, ये एक सवाल, पूरा सवाल समझ लिया ना, आगे ये 10 सवाल पेपर्स में जो आए वो इसी तरह में है, ठीक है जी। तो एक सवाल को आपने बहुत तरीके तमीज से समझना है। ये कह रहे जी, एबीसी लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, जहां क्या हो रही है? गुड्स प्रोड्यूस हो रही है, एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स। इधर क्या हो रहा है? सर, सर्विसेज दी जा रही है किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को। किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द नेक्स्ट ईयर शैल बी, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर द नेक्स्ट ईयर शैल बी, ये बजटेड एक्चुअल है? बजटेड है, ऊपर लिख के दे रहा है वो, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड्स, डन। बताओ जी, नीचे आ रहे हमारे 5 डिपार्टमेंट्स, 1, 2, 3, 4 और 5। वो कह रहे जी हमारा रेंट है 56,400। रेंट कितना है? 56,400। एक काम करो, ये रेंट जो कॉस्ट बकेट है, ये जो कॉस्ट बकेट है, इसको खाली करना है किसमें? इन 5 कॉस्ट पूल्स में। कितने? इधर कितने डिपार्टमेंट्स हैं? 5। मुझे बताओ सर, मेरे पास डिपार्टमेंट्स हैं कौन कौन से? बोर्ड पे देखिएगा मेरे बच्चों, एक सवाल इज इनफ। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, ऐसा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी, ऐसा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और सर्विस डिपार्टमेंट वाई, इसको ऐसे लिखते हैं। ऐसा जी, बोर्ड पे देखना, वक्त पे आओ यार, वक्त पे आओ, बैठ जाओ। बताएं सर, सबसे पहले मेरे पास 56,400 का रेंट है, इस रेंट का बेनिफिट किस डिपार्टमेंट ने लिया? सर, एरिया ऑक्यूपाइड की बेसिस पे ए ने भी लिया, बी ने भी लिया, सी ने भी लिया, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स ने भी लिया, वाई ने भी लिया, ये सारे डिपार्टमेंट फैक्ट्री के अंदर मौजूद है, तो रेंट का बेनिफिट भी इन 5 ने लिया होगा। किस हिसाब से ये रेंट एलोकेट करने इन 5 में? एरिया ऑक्यूपाइड की बेसिस पे। तो मुझे एक बात बताए, 56,400 को एलोकेट करके दे सकते हो किस रेशियो में? किस रेशियो में? 1, 2, 3, 4, 5, ये रेशियो निकालना आता ना, इन सबको ऐड कर सकते हो। क्यूटी का पेपर देकर आ रहे हो, एडवेंचियो वहां कैलकुलस करके आ रहे हो, इंटीग्रेशन करके आ रहे हो जी, ये टोटल कितना हो रहा है? 9,400 पक्का? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, 56,400 डिवाइडेड बाय 9,400, इनका टोटल जो है मल्टीप्लाई बाय 2500, ए का शेयर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2800, बी का शेयर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3200, क्या आ रहा है बताओ मेरे पास? रेंट कितना? 19,200 पक्का? 3,000 और? क्या मैंने रेंट एलोकेट कर दिया किसमें? 5 डिपार्टमेंट्स में। क्या मैंने रेंट एलोकेट कर दिया किसमें? 5 डिपार्टमेंट्स में। यार वक्त पे आओ, अल्लाह के वास्ते।
एक तो मेरी लॉजिक में समझ में ये नहीं आता क्लास लेने आते ही क्यों, घर पे तुम्हें अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, सुकून से घर में बैठ के पढ़ो, ठीक है जी। मैं तो तुम्हारी जगह होता, मैं खुदा की कसम से रिकॉर्डेड लेक्चर देखता। आप लोगों को पता नहीं क्या शौक है इधर आने का, पैसे भी ज्यादा दे रहे हो, मर्जी आपकी, मैं मना नहीं कर रहा आपको, मेरा नुकसान होगा, यहाँ देख ले आप, ठीक है जी। आपस की बात है, हर एक बंदे का अपना पढ़ने का प्रेफरेंस है। मैं अपनी मर्जी से पढ़ता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ मैं अपने टाइम से पढ़ूँ, ठीक है जी। और मैं चाहता हूँ जब मैं पढ़ रहा हूँ तो टीचर जो है वो, एक बंदा अभी मुझसे मिलने अभी मिठाई लेकर आया, पास हुआ कॉस्टिंग, कहता है सर आपकी बात सुन के अजीब फील हो रहा है। मैंने कहा क्यों, कहता है आप इतना आराम आराम से बोल रहे हैं। मैंने कहा क्यों, कहता है आपको हमेशा दो की स्पीड पर सुना, ठीक है ना, लेवल का बता, हमेशा दो की स्पीड पर सुना, ठीक है, कोई मसला नहीं। आप जब अपना टाइम बगैर वेस्ट किए पढ़ सकते हो तो पता नहीं, चलो खैर मर्जी है तुम्हारी। चले जी, सर मुझे एक बात बताएं, 56,400 को मैंने एलोकेट कर दिया, किसमें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ए बी सी, सर्विस डिपार्टमेंट और दूसरे सर्विस में, ऐसा अब उठाओ कौन सा कॉस्ट है। हीटिंग एंड लाइटिंग क्या होती है, ये सेवर जो लगे हुए, ये एसी जो लगे हुए, ये हीटिंग एंड लाइटिंग है। मुझे बताओ एआरटीडी के सबसे ज्यादा एसी किस क्लास में लगे, इसी क्लास में, क्यों, बड़ी क्लास है, वेरी गुड, ऊपर एक मस्जिद के बराबर में भी छोटा सा झोंपड़ा है उसमें एक एसी लगा हुआ, क्यों, इसका मतलब है सर हीटिंग एंड लाइटिंग उसूलन किसके हिसाब से एलोकेट होनी चाहिए, एरिया के हिसाब से। तो सर 47,000 भी एलोकेट होगा किसके हिसाब से, 2500, 2800, 3200, 500, 400, ऐसा सब साथ एलोकेट करते जाओ, साथ एलोकेट करते जाओ। इस वक्त हम कर के आ रहे हैं सारी फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट को एलोकेट कर रहे हैं किसमें, 5 डिपार्टमेंट्स में, किसमें, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, थोड़ा सा रुक जाओ, बता रहा हूं जी। रेंट के बाद बाजी क्या टाइम हो रही है, रिक्शे में आप बैठी लेट होंगे तो तभी आप लेट पहुंची, रिक्शा कैसे लेट हो सकता है, तो चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा जी, दो चीजें हो गई, फिर आ रहे सर गौर सुनना, एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दो मशीन की, कैसे कैलकुलेट कर दो, कॉस्ट लेते हो मशीन की, डिवाइड कर देते हो सर्टन नंबर ऑफ ईयर से, ऐसे ही है ना, या आप मशीन की कॉस्ट लेते हो मल्टीप्लाई कर देते हो उसको एक सर्टन परसेंटेज से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, याद आ रहा है, कोई अजीब बातें तो नहीं कर रहा ना मैं किसी और दुनिया की। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या करते हो, कॉस्ट लेते हो डिवाइड करते हो नंबर ऑफ ईयर से, या क्या करते हो मल्टीप्लाई कर देते हो डेप्रिसिएशन के रेट से, याद आ रहा है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ डेप्रिसिएशन आ रहा है कितने का, 78,000 का, मुझे बताओ किस डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए, जिसकी सबसे ज्यादा मशीन की कॉस्ट हो उसका डेप्रिसिएशन सबसे ज्यादा निकलेगा। देखो एक चीज याद रखो, सुनो सुनो, एक चीज क्लियर कर लो अपने जहन में, कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाओ, डेप्रिसिएशन कभी भी पर आवर बेसिस पे नहीं आती है, डेप्रिसिएशन हमेशा आती है टाइम की बेसिस पे, एक एसेट की लाइफ जितनी ज्यादा कम है उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन आएगी, आवर्स पे नहीं आती। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मशीन बंद हुई पूरे साल तो डेप्रिसिएशन जीरो हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है जी। आम तौर पे हम डेप्रिसिएशन को एलोकेट करेंगे किसकी बेसिस पे, मशीन की वैल्यू की बेसिस पे, जिसके पास जितनी ज्यादा वैल्यू की मशीन उसूलन उसका उतना ज्यादा डेप्रिसिएशन होना चाहिए। ऐसा एक एक ओपिनियन आया था आईकैप के पास, मैं आईकैप के जो है वो एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का पार्ट रहा हूँ सर, उसके एक मिनट्स में पढ़ रहा था एक जमाने में, तो उसमें एक शुगर कंपनी ने एक केस आईकैप को रेफर किया था कि जी हमारी शुगर मिल्स बंद होती है, ठीक है जी, पिछले एक साल से बंद है, इनफैक्ट 2 साल से बंद है, तो क्या हमें अपनी मशीन को डेप्रिशिएट करना चाहिए, है? करना चाहिए अपनी मशीन को डेप्रिशिएट, हाँ करना चाहिए सर, मशीन की डेप्रिसिएशन जो है वो टाइम से लिंक्ड है, जितने साल गुजरेंगे मशीन डेप्रिशिएट होगी, याद रखो चाहे मशीन चल रही हो। अब बताओ सर मशीन की जो डेप्रिसिएशन आ रही है किस एसेट को, किस डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा डेप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, जिसके पास सबसे ज्यादा एसेट है, भले वो चले हो या ना चले हो, डजंट मैटर, ठीक है जी। तो बताएं सर मैं किस वैल्यू की बेसिस पर एलोकेट करूं, दे वो आपको करने के लिए दूंगा टाइम, शिराज रुक जा 2 मिनट जी। अच्छा ये खुद से गैस करना होगा, ये याद रखना पेपर पे।
कि आपको ये बेसिस ना खुद पिक करनी होगी पेपर कि मुझे इसको किस बेसिस पर एलोकेट करना चाहिए। और आमतौर पर बेसिस जो है ना बड़ी बड़ी क्लियरली डिफाइंड होती है, मतलब आपको पता चल जाएगा मुझे किस बेस पे जाना चाहिए। प्रैक्टिस इतनी कर चुके हो जी, बताया सर डेप्रिसिएशन 78,000 किस वैल्यू पे, 6 मिलियन 8 मिलियन 4 मिलियन 1.5 मिलियन 0.5 मिलियन जी कितना? मशीन डेप्रिसिएशन कितना? 23,400 पक्का? ये सही कह रहा है लड़का? इकतीस 200 फिर 15,600 फिर ये सही कह रहा है बच्चा? अच्छा जी सर सुनिएगा दोस्त, कितनी चीजें हमने एलोकेट कर दी? क्या हमने प्रोडक्ट्स को एलोकेट कर दी? नहीं 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 नहीं, अभी हमने तक प्रोडक्ट्स को एलोकेट नहीं किया, हमने भी सिर्फ क्या किया है सारी कॉस्ट डिपार्टमेंट्स को दे रहे हैं ऐसा बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड छोड़ दो सारी चीजें। मेरे प्यारे बच्चों, मशीन की डेप्रिसिएशन के बाद सुपरवाइजरी वेजेस, सुनो 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 सुनो, आपने आई कैप का ना एक पेपर उठाया होगा जो कहलाता है डायरेक्टिव 1.02। और जो सुनो, एक डायरेक्टिव आई कैप का सारे इंस्टीट्यूट्स के लिए, वो कहते हैं क्लास में 60 बच्चे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना? 60 बच्चे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 60 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। ठीक है, मैंने आई कैप से कहा कि पाकिस्तान में ना कोई 7-8 टीचर्स हैं जो ज्यादा पढ़ाते हैं, बड़े टीचर्स हैं, आप उनको मार दो ना ये प्रोफेशन यतीम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। कुछ टीचर्स हैं जो मतलब काफी पुराने टीचर्स भी और पढ़ाने वाले भी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देते हैं। ठीक है जी, आप लाहौर में कराची में देख लो, आपको नजर आ जाएगा एड्रेस। सुने, हमने कहा ये 60 वाला तरीका है ना कि एक क्लास में 60 बच्चे होने चाहिए, ये सही नहीं है। लेकिन आई कैप ने कहा नहीं, साइंटिफिकली ये है कि यार 60 बच्चों की क्लास, मैंने कहा नहीं है, ये पुराना हो चुका है। श्रीलंका में एक 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 वक्त में 500 बच्चा बैठता है एक क्लास के अंदर, 500 वो हॉल में पढ़ाते हैं, 50 घंटे का कोर्स होता है। सिमा का मैं अटेंड करके आया हूँ, मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ। सुनिएगा दोस्त, बोर्ड पे देखना। लेकिन सर एक चीज याद रखना, आमतौर पर जब फैक्ट्री में काम हो रहा होता है ना, तो एक सुपरवाइजर के नीचे 60 या 70 लोग होते हैं। वहां ये नहीं होता, सुपरवाइजर की एक लिमिट होती है किस चीज की, मॉनिटर करने की। आपने उसको बंदे दे दिए 60, तो वो क्या करेगा? 60 लोगों को मॉनिटर कर सकेगा। तो मुझे एक बात बताओ सर, सुपरवाइजर कहां ज्यादा होंगे, किस डिपार्टमेंट में? जहां एम्प्लॉयज ज्यादा होंगे। क्या होंगे? जहां एम्प्लॉयज ज्यादा होंगे, ऐसा। तो मुझे एक बात बता, जब सुपरवाइजर, जहां सुपरवाइजर, सुपरवाइजरी कॉस्ट कहां ज्यादा इनकर हुई होगी? जहां ज्यादा सुपरवाइजर होंगे, सुपरवाइजर ज्यादा कहां होंगे? एम्प्लॉयज ज्यादा होंगे। तो मुझे बताओ ये सुपरवाइजरी वेजेस किसकी बेसिस पे एलोकेट होना चाहिए? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पे। ऐसा कहां गया? ये रहा नंबर ऑफ वर्कर्स की बेसिस पे। एक में 90, एक में 100, एक में 125 है, उधर दो में भी 20 और 15 मौजूद है। तो क्या करें सर, किस बेसिस पे एलोकेट करें? ये बुक में भी नहीं है, बुक में नहीं है, मेरा अपना बनाया हुआ सवाल है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डर है, बुक में दे रहा हूँ सवाल है, रुक जाओ जी। फिर क्या है सर मेरे पास? मशीन के डेप्रिसिएशन के बाद सुपरवाइजरी वेजेस 18,529, ये हो नहीं सकता। फिर चार हजार 3,000 पक्का डन हो गया? आप बताओ मेरे बच्चों, सुनो जरा गौर से, गौर से। पावर कॉस्ट, पावर कॉस्ट, अब बताओ मशीन वैल्यू तो मिलियन में है, डेप्रिसिएशन 1,000 में है, तो मिलियन को चेंज नहीं किया करेंगे। देखो नीचे जो वैल्यू दी हुई है मिलियंस में अल्लाह के वास्ते, वो तुम्हें एलोकेट करने के लिए बेसिस दी हुई है, उसको आप मिलियन की जगह ट्रिलियन में भी ले जाओगे तब भी डेप्रिसिएशन ऐसे ही एलोकेट होगा। आप उसको रुपयों में रख लो, 6 रुपए 8 रुपए, तब भी डेप्रिसिएशन ऐसे ही एलोकेट होगा। ठीक है जी, अब बताओ मेरे बच्चों पावर कॉस्ट, मुझे बताओ सर पावर कहाँ यूज होती है? मशीन्स में यूज होती है। कौन सी मशीन ज्यादा पावर कंज्यूम करती है, जो ज्यादा चलती है? तो मुझे बताओ सर यहाँ पर किस बेसिस पे मशीन की पावर, ये पावर की कॉस्ट एलोकेट, मशीन आर्ट्स की बेसिस पे। मशीन आर्ट्स कितने हैं? 3,700, 5,000, 4,800, 5,000 कितना जी? क्या करूं मैं, क्या एलोकेट कर रहे हैं हम? पावर कितनी कितनी? 29 सही कह रहे हैं लड़का, सही कह रहा है? 38 फिर और बस, सारे ओवरहेड्स एलोकेट हो गए। सारे ओवरहेड्स किसको एलोकेट हुए? डिपार्टमेंट्स को। किसको एलोकेट हुए?
किन डिपार्टमेंट्स को? प्रोडक्शन को भी, सर्विस को भी। किसको? प्रोडक्शन को भी, सर्विस को भी। क्या सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्ट्स को बेनिफिट देता है? नहीं। सर्विस डिपार्टमेंट बेनिफिट किसको देता है? अब एक काम करते हैं, इसको टोटल कर लेते हैं। क्या आ रहा है बताओ? कितनी? 98। वन ये फोर सही कर रहे लड़का। 19,000 17,350 ऐसा। मेरे बच्चों सारी कॉस्ट कहाँ आ गई है? डिपार्टमेंट्स में आ गई है। सारी कॉस्ट कहाँ आ गई है? डिपार्टमेंट्स में आ गई है। मुझे बताओ सर, सर्विस डिपार्टमेंट किसको बेनिफिट देते हैं? सर्विस डिपार्टमेंट किसको बेनिफिट देते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर रिपीट कर रहा हूँ, सर्विस डिपार्टमेंट किसको बेनिफिट देते हैं? अब एक काम करते हैं, इस सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट पिक करते हैं और ये उठा के एलोकेट कर देते हैं इन तीन को। कोई बेसिस दी हुई है? हाँ दी हुई है सर, हाँ दी हुई है सर। क्या बेसिस दी हुई है सर? ये बेसिस हमने सवाल में उठाई नहीं। चलो जो हम अंदाजे से एलोकेट कर देते हैं, 40-20-20 ठीक है, 40-20-40 बोर्ड में लिखना, ये सवाल में लिख देते हैं। ठीक है जी। सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्विस डिपार्टमेंट जो बेनिफिट दे रहे हैं, और सुनना कितने सर्विस डिपार्टमेंट है हमारे पास? दो। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए को, ये सवाल में लिखा हुआ होगा, बी को और सी को। सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स बेनिफिट दे रहा है 20-40-40 ऐसा। दो मिनट रुक जाओ, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। वाई बेनिफिट दे रहा है 20। सुनो मैं कह रहा हूं भाई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी और सी को डिपार्टमेंट एक्स बेनिफिट दे रहा है 20%, 40%, 40%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है भाई? सर्विस डिपार्टमेंट एक्स में जो काम होता है ना, उस काम का एटलीस्ट 25% या 20% काम किसमें होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में। सर बी में 40% काम होता है। यानी सर मशीनें जो खराब हुई है ना साल में, लास्ट टाइम से 10 मशीनें खराब हुई है, 2 कहां खराब हुई थी? ए में। तो सर 20% कॉस्ट इसको दे देते हैं। सर 4 कहां खराब हुई थी? बी में। 40% कॉस्ट इसको दे देते हैं। सर सी में 40% कॉस्ट इसको दे देते हैं। ये परसेंटेजेस एग्जाम में आपको गिवन होंगी। तो आपने सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट उठा के किसको एलोकेट कर दी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। क्यों? क्यों? क्योंकि सर सर्विस डिपार्टमेंट हेल्प कर रहा है किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो इनकी कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही देनी है हमने। तो बताओ सर मैं ये वाली कॉस्ट उठा रहा हूँ कौन सी? 19,350। ये कितना मैं ए बी और सी को दूं? 20, 40 और 40। नाम क्या दूं इसका सर? नाम क्या रखूं इसका? री एलोकेशन ऑफ एक्स। कितना? 3870 4। हाँ जी, सारी सर्विस डिपार्टमेंट एक्स की कॉस्ट निकल गई। कहां चली गई? ए बी और सी में चली गई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब इसको खाली करो, रीएलोकेशन ऑफ वाई कितना? 17,350 कितना? 3470 10 10। दोनों खत्म। अब इसका टोटल करो, इसका टोटल करो, इसका करो, इसका करो, इसका करो। ये तो हो गया 0 0। कितना? 10 10 5840 133 फिर 132 सही कह रहे हैं लड़का। बताओ सर सारी की सारी कॉस्ट आपने पहले उठाई 5 डिपार्टमेंट्स को एलोकेट की। बिल्कुल ठीक।
आप खुश हो? अच्छा जी सर, आपने सबसे पहले क्या किया, सारी बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स की कॉस्ट उठा के 5 डिपार्टमेंट्स में एलोकेट कर दी, ठीक है जी, क्योंकि इस कॉस्ट का डायरेक्ट बेनिफिट ये 5 डिपार्टमेंट्स ले रहे हैं। इन 5 में 3 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो प्रोडक्शन करते हैं, 2 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो सर्विस देते हैं, ठीक है जी। तो हमने क्या किया सर, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं वो चूंकि प्रोडक्ट्स को बेनिफिट दे रहे हैं, सर्विस किसको दे रहे हैं बेनिफिट? सर्विस डिपार्टमेंट होता क्या है, वो डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या करे, हेल्प करे। बताओ एआरटीटी में क्लासरूम हमारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जो हमारा एडमिन है, जो हमारे फी वाला, ये क्या है, ये सर्विस डिपार्टमेंट है। तो मुझे एक बात बताओ सर, सारी सर्विस डिपार्टमेंट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प करती है, तो मुझे बताओ सर सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट हम उठा के किसको दे दें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, किसके हिसाब से? जो एग्जामिनर बताएगा जी सर्विस डिपार्टमेंट के काम का कितना बेनिफिट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से लिया है, सारी कॉस्ट अब किसमें कलेक्ट हो चुकी है, जमा हो चुकी है। अब बताओ हर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एक ओ ए आर, क्या कैलकुलेट करेंगे, ओ ए आर। अब मुझे बताओ, मुझे इस ओ ए आर को कैलकुलेट करने के लिए आर्स चाहिए, क्या चाहिए, सवाल में आर्स दिए, मैं लेबर आर्स दिए, ये रे सर 44,622, फिर 26,836, फिर जी 50,266, करो देखो क्या आ रहा है, ओ ए आर पर आर 2.37, पक्का, फिर 4.96, आई श्योर, ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं बात करूं जी हमारे पास एक प्रोडक्ट है, उसने एक घंटा डिपार्टमेंट ए में भी गुजारा है, एक घंटा डिपार्टमेंट बी में भी गुजारा है, एक घंटा डिपार्टमेंट सी में भी गुजारा है, तो आप उसको कितना ओवरहेड एलोकेट करोगे, डिपार्टमेंट ए का एक घंटे का ओवरहेड, बी के एक घंटे का ओवरहेड और सी के एक घंटे का ओवरहेड। तो मुझे एक बात बताएं, मैंने सबसे पहले सवाल में क्या किया, सारी कॉस्ट उठाई, किसको एलोकेट की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को और सर्विस डिपार्टमेंट्स दोनों को, फिर सर्विस डिपार्टमेंट से कॉस्ट लेके किसको दे दी, और फिर हर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या कैलकुलेट किया, एक ओएआर कैलकुलेट किया। इस ओएआर से अब मैं करूंगा क्या, जितनी कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने जिस डिपार्टमेंट में टाइम गुजारा है उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, उसको ओवरहेड एलोकेट करूंगा। ऐसा है, ऐसा है सर, फिर रिपीट करूं, बताओ सबसे पहले स्टेप में आपने क्या किया, सारी कॉस्ट उठाई, सारे डिपार्टमेंट्स को एलोकेट कर दी, फिर आपने सर सर्विस डिपार्टमेंट से कॉस्ट लेके किसको दे दी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, सर सर्विस डिपार्टमेंट से कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दी, तो हर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, एक ओएआर कैलकुलेट कर लिया। ओएआर कैलकुलेट करने के बाद अब इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जितनी गुड्स प्रोड्यूस होंगी, जितनी गुड्स निकलेंगी, उनको हम क्या करेंगे, ओवरहेड्स एलोकेट करेंगे। ऐसा है सर, ये कॉपी करें तो मैं छोटी सी और एग्जाम्पल आपको दूं और एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़ते जाएं। क्वेश्चन दिखा दूं, नहीं मास्क तो ये पहनता था ना, ऐसे वेल्डिंग करवाई हुई थी मास्क। चलो जी बड़े सर, प्यारे बच्चों बोर्ड पे सब चीजें छोड़ दो, सुनो 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 सुनो, अब थोड़ा सा सवाल से हट के मैं एक छोटी सी डिस्कशन करूंगा, सुनो और तो सुनो, सारी चीजें छोड़ के बोर्ड पे देखो, ये है तुम्हारे सामने ओ ए आर, कितने हैं ये, कितने ये, तीन है मेरे बच्चों, प्लीज बोर्ड पे देखो, दो मिनट के लिए सब कुछ लिखना छोड़ दो, यहां फोकस करो। सर हमारे पास एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट जेड, या प्रोडक्ट जेड नहीं, ऊपर तो नाम आ रहा है, एक्स वाई जेड आ रहा है, से जीरो जेड अज्यूम कर लो, प्रोडक्ट जेड, ठीक है। बताओ प्रोडक्ट जेड पे डायरेक्ट मटेरियल लगता है सर, से मिसाल के तौर पर 20 रुपए का डायरेक्ट मटेरियल, कितने का लगता है, 20 रुपए का सर। डायरेक्ट लेबर लगता है सर 18 रुपए का, कितने का लगता है, 18 रुपए का, ठीक है जी। ओवरहेड्स सर, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिपार्टमेंट ए से भी होता हुआ जाता है, डिपार्टमेंट बी से भी होता हुआ जाता है, और डिपार्टमेंट सी से भी होता हुआ जाता है, ऐसा। अभी एक चर्सी ऐसे उठा, उसने कहा जेड कहां से आ गया, ऊपर तो ए बी सी था,
एक्स और वाई था, ये जेड कहां से आया? बराबर वाले से पूछ रहे, जेड क्या है ये? भाई जेड एक प्रोडक्ट है, ठीक है जी, जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। इस पे मटेरियल कितना लग रहा है? 20। डायरेक्ट लेबर कितना लग रहा है? 18। सर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिपार्टमेंट ए में 2 घंटे गुजारता है, डिपार्टमेंट बी में 3 घंटे गुजारता है और डिपार्टमेंट सी में 1 घंटा गुजारता है। बताओ इसको कितने रुपए के ओवरहेड एलोकेट होने चाहिए? मल्टीप्लाई बाय 2.37, मल्टीप्लाई बाय 4.96, मल्टीप्लाई बाय 2. कितना जी? ये टोटल टोटल बताओ, टोटल बताओ कितना? 52। इतना ज्यादा तो नहीं है, ट्वेंटी टू पॉइंट टू फाइव। ऐसा बताओ इस प्रोडक्ट पे टोटल कितने रुपए की कॉस्ट लगती है? टोटल 60 पॉइंट। ये क्या है? एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एक यूनिट की टोटल कॉस्ट। डन। इसमें मैं ऐड कर रहा हूं प्रॉफिट 20%। किसका 20%? कॉस्ट का। सर कितना? 12.05। बताओ सर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक यूनिट की प्राइस कितनी है? 72.3। पक्का? यह है इसकी सेलिंग प्राइस। सुनो, छोड़ो सारी चीजें, बोर्ड पर देखो। सबसे पहले आपने साल के शुरू में क्या किया बेटा? आप समझ लो इसको। अब इस तरह के ना 4-5 सवाल ऊपर नीचे करने, हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स को बजट कर लिया। डन। बजट करने के बाद हमने देखा हमारी कंपनी में 5 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें से 3 प्रोडक्शन और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। ये सारी कॉस्ट हमने इन 5 डिपार्टमेंट्स में एलोकेट कर दी। डन। इसमें से सीन ये था कि एक डिपार्टमेंट ऐसा था, इसमें से एक डिपार्टमेंट ऐसा था, 2 डिपार्टमेंट इनफैक्ट ऐसे थे जो प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, जो सर्विस डिपार्टमेंट थे। सही है ना? गुड्स यहाँ नहीं आती थी, यहाँ से गुजरती ही नहीं थी ना, मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से नहीं गुजरता। तो हमने इसकी कॉस्ट उठाई, क्या की, इन तीनों में एलोकेट कर दी। सारी की सारी फिक्स ओवरहेड की कॉस्ट किन किन डिपार्टमेंट्स में आ गई? प्रोडक्शन ए, प्रोडक्शन बी, प्रोडक्शन सी। हमने सबका क्या निकाल लिया? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। फिर हमने एक एक प्रोडक्ट को उठाया और चेक किया कि ये प्रोडक्ट डिपार्टमेंट ए में कितना टाइम गुजारती है, डिपार्टमेंट बी में कितना टाइम गुजारती है, डिपार्टमेंट सी में कितना टाइम गुजारती है। इसके हिसाब से हमने इसको क्या किया? ओवरहेड्स एलोकेट किए। तो हमें पता चला कि हम अपने कस्टमर से 72 रुपए रिकवर करने चाहिए एक यूनिट के, जिसमें से हम अपने कस्टमर से 12 रुपए का प्रॉफिट रिकवर करेंगे, 10-20 रुपए मटेरियल के नाम पर रिकवर करेंगे, 18 रुपए लेबर के नाम पर रिकवर करेंगे और 22.25 रुपए ओवरहेड्स के नाम पर रिकवर करेंगे। ये बात समझ आती है या नहीं? ये बात भेजे में बैठती है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको इसी तरह का सवाल दूं, मैं आपसे कहूंगी कंपनी इस तरह चल रही है, ये खर्चे, सबसे पहले एलोकेशन किसको करोगे? प्रोडक्शन और सर्विस दोनों को। फिर सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट लेके किसको किसको दे दोगे? प्रोडक्शन को। फिर हर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या निकालोगे? ओआर निकालोगे। उस ओआर से क्या करोगे? जितनी प्रोडक्ट्स उस डिपार्टमेंट से थ्रू हो रही है सबको क्या करोगे? ओवरहेड एलोकेट करोगे। पक्का? सर इसको कॉपी करें।
रोमिंग को कॉल नहीं करनी है भाई। जी मेरे बच्चों हम आगे जाएं। बढ़ जाएं। चलो जी अब आ रहा दोस्त एक सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं, प्लीज बोर्ड पे देखो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एक सवाल शुरू करूं और एग्जामिनर ने कुछ ओवरहेड ऑलरेडी एलोकेट करके दिए हो तो आपको क्या मसला है? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? अच्छा जी आओ जरा दोस्त। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा, देखो सबके पास किताब है ना, ये किताब कब लोगे बेटा? कयामत के दिन जब जैसे सूर फूंका जाएगा उसको खरीदोगे? हाँ वो कह रहे हैं 3 बजे तक आएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कब उसने बोला कि 3 बजे तक आएगी? आज बोला मनुष्यों। चलो जी एक काम करते हैं, ये तस्वीर खींच के आपको दे देते हैं ताकि आप इसको जो है अभी आज के दिन चलाएं। सुने जरा दोस्त गौर से देखें, ऊपर सवाल में रीड करना शुरू करूं। ये कह रहा है एनुअल ओवरहेड्स ऑफ इंटरप्राइज कंपनी लिमिटेड। अच्छा ये इस पे ना इस पे एक स्टेरिक लगा दोगे, ये एक ऐसा सवाल है जो एग्जाम के करीब आपने एक सवाल सॉल्व करना है, इसमें काफी सारी चीजें जो है वो आपकी कवर हो जाएंगी। हर टॉपिक में ना अब मैं 2-3 सवाल बताया करूंगा जो एग्जाम के करीब आपने सॉल्व करना है। ठीक है? ठीक है जी। हाँ और उसके बाद तुम्हें समझ आ जाए वो है, समझ आ जाए। चलो जी ये कह रहे जी द एनुअल ओवरहेड्स कॉस्ट फॉर एंटरप्राइज कंपनी विच हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। ठीक है जी 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जिसमें से 2 मशीन और 1 असेंबली डिपार्टमेंट है, फर्क नहीं पड़ता, एंड 2 सर्विस सेंटर्स। ठीक है जी मटेरियल प्रोक्योरमेंट एंड जनरल फैक्ट्री सपोर्ट। ठीक है जी एक हमारी कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट है जो हमें मटेरियल परचेज करके देता है, एक वो डिपार्टमेंट है जो मशीन वशीन खराब हो जाती है तो भागते हुए आ जाता है। प्रोडक्शन कहाँ हो रही है? 3 डिपार्टमेंट्स में। कौन सी? 2 मशीन डिपार्टमेंट से 1 असेंबली डिपार्टमेंट, यहाँ प्रोडक्शन हो रही है। ये कह रहे जनाब इनडायरेक्ट वेजेस एंड सुपरविजन, ये एक खर्चा है, ये उसने ऑलरेडी एलोकेट किया हुआ है 5 डिपार्टमेंट्स पहले से एलोकेटेड है। अब ये पेपर में आ जाए ना तो लोगों की हवा टाइट, इसको क्या करें? पहले से एलोकेटेड है तो हम क्या करें? बस लिख दो सीधा सीधा, इतना सीधा। हाँ ऐसा ही है, वो छेड़ता है एग्जामिनर। अब बताएं दूसरा इनडायरेक्ट मटीरियल, ये ऑलरेडी 5 डिपार्टमेंट्स में एलोकेटेड है। फिर क्या है जो एलोकेटेड नहीं है? ये रहा सर हीटिंग एंड लाइटिंग, प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस ऑफ मशीन। हट जा भाई। ठीक है जी डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, सैलरीज ऑफ वर्क मैनेजमेंट, ये सारे जो एलोकेट नहीं हुए ये किसकी बेसिस पे एलोकेट होने? सर यहां पर आ रही है बुक वैल्यू ऑफ मशीन, एरिया ऑक्युपाइड, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ऐसा डायरेक्ट लेबर और ये सारी चीजें। और आप मुझे ये सवाल में सर 2 टाइप के ओवरहेड एलोकेटेड हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये एलोकेटेड नहीं है, आपने खुद एलोकेट कर। क्या मुझे आप तीनों का ओवरहेड एप्लीकेशन रेट निकाल के दे सकते हैं? अच्छा पहले मैं इस सवाल को यहाँ तक रख रहा हूँ ताकि आप ऊपर वाला ऐसा कॉपी कर लें।
पांच डिपार्टमेंट्स की हेडिंग डाल के वहां पर पुट कर दें और फिर नीचे आ जाना। सर मुझे बताएं मेरे पास कितने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं? तीन, एक है मशीन वन, एक है मशीन टू, ये पूरा लिखना पड़ेगा असेंबली, फिर मटेरियल प्रोक्योरमेंट और जीएफएस जनरल फैक्ट्री सपोर्ट, ऐसा बोर्ड में लिखना मेरे बच्चों। बच्चों तो सबसे पहले जो ऑलरेडी एलोकेटेड कॉस्ट है वो क्या क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल, क्या इनडायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड होता है? हाँ हाँ भाई बिल्कुल ओवरहेड होता है। कितना है सर वो? एक एक डेढ़, और इसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल के बाद इनडायरेक्ट लेबर, सर वो कितना है? पांच आठ पांच एक पांच, एक पांच, मुझे नंबर याद रहते हैं। अच्छा जी प्लीज मेरे बच्चों बोर्ड पे, यहां तक हमने इनडायरेक्ट मटेरियल देख लिया, इनडायरेक्ट लेबर देख लिया, नजर आ रहा है? इसके बाद सर हमारे पास जो एलोकेट करने वाली पहली कॉस्ट है वो क्या है? वो हीटिंग एंड लाइटिंग। किस बेसिस पे एलोकेट किया होगा हमने? एरिया ऑक्यूपाइड की बेसिस पे, 10 5 15 15 5 ऐसा। तो मुझे बता सकते हो हीटिंग एंड लाइटिंग में एक लाख पचास हजार, और चलो जी हीटिंग एंड लाइटिंग निमट गया बोर्ड पे। हीटिंग एंड लाइटिंग के बाद मेरे बच्चों प्रॉपर्टी टैक्स कितना? एक मिलियन है, प्रॉपर्टी टैक्स भी एरिया ऑक्यूपाइड पे ही जाएगा। अच्छा अब देखो सुनो, क्या मैं इतना तुम लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं, सुनो, कि हीटिंग एंड लाइटिंग था पांच लाख, यह है डबल, कितना जी? एक मिलियन। दोनों का बेसिस सेम है, दोनों का बेसिस क्या है? बेसिस सेम क्या होता है सर? बेटा दोनों की एलोकेशन की बेसिस सेम है ना, तो आप एक काम कर सकते हो, इसको डबल कर दो, दो लाख कर दो, सर ये समझ नहीं आया बेटा, पुराना वाला ही समझ रहे, एरिया की बेसिस पे एलोकेट कर दो, ठीक है जी। और ये है क्या वैसे? अब जी इंश्योरेंस ऑफ मशीन, अब इंश्योरेंस ऑफ मशीन के लिए डेढ़ लाख की वैल्यू है, किस बेसिस पे एलोकेट करूं? बुक वैल्यू ऑफ मशीन आठ पांच एक अशारिया पांच अशारिया पांच, कितना? सही कह रहे है लड़का, फिर उसके बाद सर, सर हमारा डेप्रिसिएशन है कितना? पंद्रह लाख। डेप्रिसिएशन किस बेसिस पे? मशीन वैल्यू की बेसिस पे, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन मशीन वैल्यू 15 मिलियन, डेप्रिसिएशन है 15 लाख, इसका मतलब है मशीन वैल्यू का 10%, तो एक एक जीरो कम कर दो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी सर क्या है मेरे पास? ये था क्या डेप्रिसिएशन ना, ये 8 मिलियन है, तो आप 8 लाख कर दो। अच्छा आप इसमें एक जीरो ऐड करने का क्या रहे हो? ठीक और चलो जी आगे बढ़ो दोस्त। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, ये भी एरिया ऑक्यूपाइड पे ही है,
सर बुक वैल्यू पर क्यों हुई है मशीन इंश्योरेंस? देखो जिस एक डिपार्टमेंट है उसमें पूरे साल मशीन चली हजारों घंटे, मशीन की वैल्यू है 2 रुपए, और एक एक डिपार्टमेंट है जिसमें मशीन 2 करोड़ रुपए की पड़ी है, इंश्योरेंस किसकी दी होगी? 2 करोड़ वाले की, उसकी ज्यादा इंश्योरेंस पे की होगी, तो इंश्योरेंस पे की जाती है वैल्यू के हिसाब से, वहां आर्स की बेसिस पे कहीं एलोकेट नहीं कर देना। अच्छा जी, फिर किस चीज की इंश्योरेंस? बिल्डिंग की इंश्योरेंस किस बेसिस पे? इंश्योरेंस ऑफ कितना जी, अमाउंट कितनी है? 2.5 लाख किसकी बेसिस पे? एरिया ऑक्यूपाइड, तो हीटिंग एंड लाइटिंग का आधा होगा ना, आखिरी वाला बचा। खलास सर, सैलरीज 8 लाख, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे एलोकेट करें। कितना बेटा? अब यहां तक जो मजदूरों वाला काम था, मेन काम अभी आगे आ रहा है। कितना? 80,000 और ये कितना? सही कह रहे लड़का, चौबीस 80, 1760, मेरे बच्चों अब सुनो सुनो सुनो, मटेरियल प्रोक्योरमेंट का क्या काम है? मटेरियल प्रोक्योरमेंट का क्या काम होता है? सामान पहुंचाना, सामान खरीदना, मनुष्य पहुंचाना नहीं, ऐसा? सुनो सुनो सुनो, मुझे एक चीज ये बताओ सर, मटेरियल प्रोक्योरमेंट है सामान खरीदने का खर्चा, मुझे बताओ अगर मुझे कोई बेसिस ना दिए और मुझे कहा जाए इन तीनों डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करो, तो मैं किस बेसिस पे एलोकेट करूँ? इन तीनों ना 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 इन तीनों डिपार्टमेंट्स में मटेरियल सबसे ज्यादा किस डिपार्टमेंट में इस्तेमाल हुआ है? ना, ये नीचे दिया हुआ है, देखा, टोटल मटेरियल्स इशूड टू द डिपार्टमेंट्स। सुनिएगा दोस्त, से आपको एक डाटा दिया हुआ है यहाँ पे, मैं काम करता हूँ इस डाटा को ऐसे उठा लेता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। ये सर इन तीनों डिपार्टमेंट्स ने मटेरियल जो है वो कंज्यूम किया है 4 मिलियन का, 3 इसमें कौन सा मटेरियल शामिल है? डायरेक्ट भी, तो मुझे बताओ इस डिपार्टमेंट का बेनिफिट मटेरियल प्रोक्योरमेंट का, मटेरियल प्रोक्योरमेंट का काम क्या था? लोग इससे मटेरियल मंगवाते थे, सबसे ज्यादा मटेरियल किस डिपार्टमेंट ने मंगवाया? एक्स ने, फिर वाई ने, फिर आपको नहीं लगता ये 1760 एलोकेट हो जाने चाहिए किस बेसिस पे? 4, 3 और 1 के रेशियो में, ऐसा करो जरा एलोकेट। री एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, कौन सा? ना, मटेरियल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। चला जा 8, 8, 80 और धोबी, ऐसे ही है। मुझे बताओ कितने लोगों के जहन में ही आया कि ये काम कर सकते हैं हम, इसका नीचे किया ही नहीं हमने, ऊपर से ही जो है वो देख के छोड़ दिया बस। तो मैं सवाल ही की बात कर रहा हूँ, और क्या बात कर रहा हूँ। आगे बढ़े, अब बताओ उसके बाद क्या रह गया, गौर से सुनो। उसके बाद रह गया जनरल फैक्ट्री सपोर्ट। अब इसके लिए कोई बेसिस नहीं गिवन है, कोई बेसिस गिवन नहीं है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जनरल फैक्ट्री सपोर्ट के लिए कहां पर सपोर्ट मिली होगी? जनरल फैक्ट्री सपोर्ट कहां मिली होगी? मशीनों में या लेबर में? ऐसे ही, तो आप सर इस बेसिस पे
या इस बेसिस पे इसको एलोकेट कर। जब कोई बेसिस समझ नहीं आ रही हो ना, दोबारा सुन लेना, जब कोई बेसिस समझ ना आ रही हो, नहीं अवेलेबल हो, तो किस बेसिस पे एलोकेट कर दोगे? लेबर आर की बेसिस पे या मशीन आर की बेसिस पे, ये तुम्हारी मर्जी है भाई। जनरल फैक्ट्री सपोर्ट का कोई बेस समझ नहीं आ रहा, सवाल भी गिवन ही नहीं, तो हम क्या करें? सर हम इसको काम करते हैं, लेबर आर्स की बेसिस पे एलोकेट करते हैं। लेबर आर हैं कितने? 1 मिलियन, 1 मिलियन और 2 मिलियन। तो बताओ मेरे बच्चों, 1 मिलियन, 1 मिलियन और 2 मिलियन से अगर मैं एलोकेट करने जाऊं तो है कितना अमाउंट, कितना ही है? अठारह लाख डिवाइड बाय 4 कर दो, 4.5 लाख इधर, फिर 4.5 लाख इधर, ऐसा नो, ऐसा मैंने ये डायरेक्ट लेबर आर्ट्स की बेसिस पे एलोकेट कर दिया। जब कुछ ना लग रहा हो तो आपने क्या करना है? लेबर आर्ट्स की बेसिस पे एलोकेट कर देना, जब आंखें बंद हो जाएं, समझ ना आ रहा हो। अब बताओ सर, अगर मैं आपसे पूछूं, सर ये जीरो ये जीरो, ऐसा मैं आपको फिर बता दूं, ओवरहेड्स का सवाल जिस अटेम्प्ट में आता है, फ्री के नंबर होते हैं, मुफ्त के नंबर होते हैं, हाँ हाँ इसी तरह मुफ्त के नंबर होते हैं, उसके बाद भी लोग फेल होते हैं, 24 नंबर लेंगे लांती जी, क्या रहेगा कितना? बस इसको यहीं तक रखो। अब सुनो 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 सुनो, अब हमने क्या निकालने? ओ यार, अब मेरे बच्चों आखिरी स्टेप, आखिरी स्टेप, छोड़ दो सारा, छोड़ दो। ओ यार निकालना है, किससे डिवाइड करूं, लेबर आर से या मशीन आर से? लेबर आर से या मशीन आर से? फिर पूछ रहा हूं, लेबर आर से या मशीन आर से? ऊपर आओ मेरे बच्चों, प्लीज फोकस करो, नहीं लिखो, नहीं इस टाइम पे लिखने का नहीं है। सुनो, सारे ओवरहेड 3 डिपार्टमेंट्स में आ चुके हैं, अब मैंने तीनों से क्या निकालना है? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकलेगा? सर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट प्लीज बोर्ड में देखिएगा, मैं जाता हूं ऊपर, मुझे बताओ सर मेरे पास डिपार्टमेंट ए बी और सी में जो काम हो रहा है वो किस बेसिस पे हो रहा है, मैं बताऊं। सर ए में 1 मिलियन लेबर आर का काम होता है, 2 मिलियन मशीन आर्स का काम होता है, ऐसा मुझे बताओ। जो मशीन सेंटर एक्स है, इसमें प्रिडोमिनेंटली ज्यादा काम लेबर बेस्ड है या मशीन बेस्ड है? मशीन बेस्ड है, कैसे पता चला? आप इधर ओवरहेड एलोकेट करें मशीन आर्ट्स के बेसिस, ठीक है जी। दूसरा बताएं, डिपार्टमेंट वाई में मशीन के बेसिस पे या लेबर की बेसिस पे ज्यादा काम किस पे हो रहा है? दोनों पे हो रहा है, तो आप दोनों में से कोई भी बेस यूज करेंगे वो यार सेम ही आएगा। सर एक काम करते हैं, यही यूज कर ले, कोई मसला नहीं। सी या मशीन डिपार्टमेंट असेंबली, असेंबली डिपार्टमेंट, उसमें मशीन आर्स है ही नहीं। सर मुझे एक बात बताएं, जो सारा काम हो रहा है वो किसकी बेसिस पे हो रहा है? लेबर आर्स की बेसिस पे हो रहा है, तो सर मैं ओआर किसकी बेसिस पे निकालूं? इसका मतलब आइंदा के बाद जब भी ओआर निकालना होगा, मैं मशीन आर और लेबर आर में जो ज्यादा होगा, जो ज्यादा होगा उसको पिक कर लूंगा। डिपार्टमेंट एक्स में देखो मशीन आर ज्यादा है या लेबर आर ज्यादा है? इधर देखो बेटा, इधर या नहीं है, इधर कुछ नहीं है, वो नीचे देख रहे हैं, मशीन आर ज्यादा है लेबर आर ज्यादा है डिपार्टमेंट एक्स में? सर डिपार्टमेंट एक्स कहाँ है? ये रहा, मशीन आर लेबर आर, इधर मशीन आर लेबर आर सेम, इधर मशीन आर लेबर आर, लेबर आर, ऐसा। अब बताओ मैं ओ आर निकालने के लिए किससे डिवाइड करूं? आर 2 मिलियन, 1 मिलियन और सुनो 2.15, इधर 1.8, ऐसा पक्का? अब सुनो मुझे बताओ, सबसे पहला काम मैं पेपर में क्या करूंगा, क्या करूंगा? सारे कॉस्ट उठा के पांचों डिपार्टमेंट्स में एलोकेट कर दूंगा, फिर किसी भी रीजनेबल बेसिस पे सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट उठाऊंगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को एलोकेट कर दूंगा, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के क्या निकाल लूंगा? ओ यार पर लेबर आर या पर मशीन आर? सर जो ज्यादा हो उसकी बेसिस पे निकाल लूंगा, पक्का? सर ये कॉपी कर लें, शाबाश। अच्छा देखो एक छोटी चीज, एक छोटी डिस्कशन और करूं। सर देखिये आप यहाँ क्लास ले रहे हैं, फिर आपने घर पे जाके सेल्फ स्टडी करनी है, खुद से भी कुछ सवाल सॉल्व करने हैं, और तीसरा है सर क्विज एंड एग्जाम्स।
ठीक है जी, ये तीन चीजें सर आपकी जो टोटल लर्निंग होती है ना उसका सर 25% ऐसा क्लास में होता है। ठीक है जी सर, 25% आपका सेल्फ स्टडी भी होता है, 50% हिस्सा ना आपका यहाँ से आता है। यहाँ पता है क्यों 50% है? यहाँ जेन्युइनली आप एक्सपोज हो रहे होते हैं सवालों के सामने, और आपके सामने को होता नहीं हेल्प करने के लिए। सिर्फ यहाँ देखिए आप यहाँ स्कोर कर पा रहे हैं या नहीं। एक बच्चा क्लास में बहुत अच्छा होता है, सब समझ आ रहा होता है उसको, ठीक है जी, घर पे भी बैठता है, जो क्लास की पढ़ी हुई चीजें वो आराम से रिवाइज भी कर लेता है, लेकिन एक नई चीज को नहीं अटेम्प्ट कर पाता, यहाँ आता है प्रॉब्लम। मैं बार बार आपको कहूंगा, देखो मैंने कल भी FAR 1 का क्विज दिया, तकरीबन उसको 125 लोगों ने अटेम्प्ट किया, मैं भी अभी 200 हो गया हूँ, लेकिन रेशियो स्टिल वेरी लो, क्योंकि FAR 1 में हमारे पास 500 प्लस स्टूडेंट्स हैं। कॉस्टिंग में बैच, ये बैच शुरू होने से पहले 700 में थे हम, ये बैच शुरू होने के बाद कोई 250-300 लोग और ऐड होंगे, 1000 तक चला जाएगा मामला, उसमें अभी तक सिर्फ 100 लोगों ने अटेम्प्ट किया। ठीक है जी, देखो मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको बोलना बहुत आसान है, मैं यहाँ ये भी लिख सकता रह गया 90% क्लास होती है, मैं अपनी इंपॉर्टेंस रखता आपके सामने कि यार मैं इंपॉर्टेंट हूँ, नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि आप खुद से बैठ के अकेले बैठ के एक नए सवाल को कितना सॉल्व कर सकते, ये क्रूअल फैक्ट है, आप इससे भागो नहीं कि यार मैं फलां टीचर के पास जाऊंगा तो वो, मेरे पास एक बच्चा है सर वो मैं सुना आप पास करा, मैंने कहा नहीं भाई नहीं, पहले बता दो मैं, ये सब झूठ है कि फलां के पास जाओ तो पास हो जाता है, नहीं अल्लाह के बंदो नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताऊंगा, पढ़ा दूंगा, क्लास का काम करा दूंगा तुम्हें, तुम्हें उस वाले पोर्शन में हेल्प कर दूंगा, लेकिन यार सारी चीजें तुम्हारे अपने कंट्रोल में, ये कंट्रोल में ना ये पार्ट तो गेम कंट्रोल में, मैं आपको फिर बता दूं। देखिए लोग ये समझते हैं कि जो क्लास ले ली घर जाके यही पढ़ लिया, बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है ना तब भी वो ये करता है, क्लास लेता है घर जाके जो है वो अपनी चीजें दोबारा देख लेते हैं जो क्लास में पढ़ी है, दिस इज नॉट सफिशियंट एट ऑल। आप जब तक एक एक देखो एक पेपर में सवाल आएगा वो अननोन है, पता ही नहीं, अनसीन है, आप पहले जब उसके सामने एक्सपोज होते हैं आप के आसाब पे कंट्रोल नहीं रहता आपका, क्यों आप कभी इस तरह के सिनेरियो से गुजरे ही नहीं हो, पता ही नहीं। आप मैंने पहली दफा गाड़ी चलाना सीखी तो ट्रेनिंग स्कूल से सीखी, अब वो गाड़ी चलाता रहा, अब यकीन करो एक हफ्ते बाद मुझे पता चला कि एक जो है वो ब्रेक और वो उसके पास नीचे, मैं इतना कॉन्फिडेंस में ब्रेक मार रहा हूँ गाड़ी रुक रही है, ठीक है जी, बाद में पता चला वो साथ में बराबर में एक सेट उसके पास भी होता है। कभी ड्राइविंग स्कूल से गाड़ी चलाना सीखी है? हैं? आप एक आपके पास ब्रेक और एक्सीलेटर आपके पास होता है, ठीक है जी, एक वहां पे भी होता है, आपको लग रहा है भाई आपने बड़ी परफेक्ट टाइमिंग से ब्रेक मारी बस के बाद ये रोकी, भाई मुझे लगा मैं कर रहा हूँ सब कुछ। पहली दफा जब मैंने गाड़ी निकाली अपने साथ में ड्राइवर बिठाया था, मैं पाकिस्तान चौक पर पहुंचा, एक पुलिस वाला वेस्पा गाड़ी पर जा रहा था, मैंने ठोक दिया उसको, ठोक दिया मैंने उसको, लेकिन ठोका भी ऐसे कि वेस्पा को अगर आपने देखा वेस्पा मोटरसाइकिल उसकी वो जो है ना वो इंजन पीछे होता है काफी बड़ा होता है, एक साइड होता है इंजन, अब वो यूं जा रहा था मैं यूं जा रहा था, मुझे लगा वो निकल जाएगा, ठीक है जी, अंदाजा गलत हुआ, एस्टिमेट गलत हुआ, मैं मार दिया उसको, मारा तो वो गिर गया, मैं आगे निकल गया, अब मेरे दिल में दुआ कर रहा था अल्लाह वो जिंदा हो बस, बाकी खैर है, जब वो खड़ा होकर उससे मुझे लानत दी ना तो मुझे इत्मीनान हो गया कि मामला सही है, कोई टेंशन वाली बात, तो भाग गया वहां से, भाग गया रुकता थोड़ी मैं भी। उसके बाद दूसरी दफा ये मैं आपको बता रहा हूँ ड्राइविंग स्कूल से मैंने सीखा है, उसके बाद मैं एक अपने ऑफिस जा रहा था, ठीक है ना, और मैंने ऑफिस ज्वाइन किए एक हफ्ता हुआ था, तो आगे गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी, पीछे मेरी गाड़ी आई, मैं सोचा कि मैं यहाँ ब्रेक मारूंगा तो यहाँ रुक जाएगी, अंदाजा गलत साबित हुआ, गाड़ी घुस गई अंदर, ठीक है ना, वो बाहर निकला गालम गलोच हुआ, खैर उसकी गाड़ी भी इंश्योर्ड थी मेरी भी इंश्योर्ड थी, कंपनी ने इंश्योरेंस करवाई हुई थी, तो मामला निकल गया। उसके बाद मुझे फील हुआ कि नहीं, जब ये टीचर आपको साथ लेके चल रहा होता है ना तो उसी ड्राइविंग स्कूल के टीचर की तरह होता है, ठीक है जी, उसके पास एक जो है वो पेयर होता है एक्सेलेटर और ब्रेक का, आपको लग रहा है आप ब्रेक मार रहे हो, वो ब्रेक मार रहा है, और फिर जब आपको पेपर में गाड़ी मिलती है तो आप उसमें वहां वहां गाड़ी ठोकते हो, ठीक है ना, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ भैया आपने, जब मेरे साथ ना पहले दिन ड्राइविंग स्कूल में एक मेमन बंदा आया,
गौर से सुनना, बहुत बहुत होशियार बंदा था। उसने फीस पूछी, उसने 6,000 रुपए, पहले दिन उसने कहा मैं ट्रायल देखना चाह रहा हूँ, वहां से ट्रेनिंग की, उसके बाद वो गायब हो गया। चल दोस्त, उससे बात बात हो गई तो नंबर एक्सचेंज हो गया। हफ्ते बाद मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा तुम कहाँ? कहता है यार मैं काम करता हूँ, टैक्सी वाला पकड़ता हूँ इलाके का, उसके साथ बैठ जाता हूँ, आगे जाके उसको कहता हूँ मुझे यहाँ बैठने दे, तेरी तो टैक्सी है ना घूमती रहेगी, तेरे को पैसे चाहिए, तो मैं उस टैक्सी वाले के साथ सीख रहा हूँ और तुम्हें नुकसान है। मैंने कहा वो क्यों? उसने कहा वो मेरी टैक्सी में ना एक ही पेयर है ब्रेक और उसका एक्सेलेटर का, उसके पास नहीं है, तो वो मुंह से सब समझा रहा था, काम मैं कर रहा होता हूँ और वो हमसे ज़्यादा अच्छा ड्राइवर है। आप यकीन करो मेरी दोनों वाइफ जो है वो ड्राइविंग करती हैं, मेरी ड्राइविंग से हालत टाइट होती है, मैं अगर ड्राइव करूँ ना आगे पीछे देखो बंदा गुजर जाए तो गया वो, ठीक है जी? नहीं, डर है एक्सेल में और ये डर आपके दिमाग में बैठ चुका हो। एक दफा फेल होता है ना इंसान, उसको लगता है कि यार मैं सब कुछ कर लूंगा, मुझे 10,000 दफा चीजें पढ़वा लो लेकिन एग्जाम नहीं दिलवाओ यार, मैं एग्जाम में जाके ना अकेले बैठ के पेपर प्रेशर में टेंशन में सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। मेरी तुम लोगों से इल्तिजा यार, इस एरिया पे काम करो, इस एरिया पे काम करो। देखो सुनो, हर एक टीचर आके कहेगा मेरी ये जिम्मेदारी है, मैं कहता हूं मेरी ये जिम्मेदारी तो है, मेरी ये भी जिम्मेदारी है तुम्हारे साथ, इस पे काम कराऊंगा तुम्हें, लेकिन काम कराऊंगा ना करना आपने खुद है। मैं आपको टेस्ट क्विज दे दूं आप ना करो, इतनी दफा मैंने आपको बोला है, लेकिन यकीन करो यार तुम लोग इतने पक्के हो, तुमने कहा कुछ भी हो जाए मैं यही काम करूंगा, यहां जाऊंगा पेपर में दूंगा, ये नहीं करो। सारे तमाम लोग वादा करो क्विज दोगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं समझ सकता हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जब मुझे किसी को मना करना होता है ना तो मैं उसको कहता हूँ इंशाल्लाह। अब सुनो सुनो सुनो, अब बताओ हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं सर, दो दो, गौर सुनना, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स है, सर्विस डिपार्टमेंट वाई, गौर सुनना सर, गौर तो सुनो सर, मेरे पास ओवरहेड्स 1,800, 400, 300, देखो इन सारे डिपार्टमेंट्स को ओवरहेड एलोकेट हो चुके हैं, दो प्रोडक्शन है दो सर्विस डिपार्टमेंट है, दोनों को चारों को सारे ओवरहेड एलोकेट हो चुके हैं। अगला स्टेप क्या है? डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट से कॉस्ट उठानी है, किसको देनी है प्रोडक्शन? अब सुनना जरा दो, सुनो 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 और दो सुनो, सीन कुछ ऐसा है कि सर्विस डिपार्टमेंट एक्स अगर बटेगा ए बी, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स सर्विस डिपार्टमेंट वाई, ए को मिलेगा 10%, बी को मिलेगा 40% या से 60% और सर सी को मिलेगा 30%। इसका क्या मतलब है? सर्विस डिपार्टमेंट एक्स सर्विस डिपार्टमेंट वाई को भी हेल्प कर रहा है, दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को भी हेल्प कर रहा है और सर्विस डिपार्टमेंट वाई को भी हेल्प कर रहा है, ऐसा है? आमतौर पर सर्विस डिपार्टमेंट किसको हेल्प करते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, लेकिन सर ये भी तो हो सकता है ना कि एक सर्विस डिपार्टमेंट किसको हेल्प करे, दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प करे। तो मुझे बताओ अगर मैं अब एक्स की कॉस्ट को बांटूंगा तो किस किस को दूंगा? ये दोगे किसको? 10% कितना? 40, 60% 240 और 100, ऐसा? अब बताओ सर मेरे पास वाई के ओवरहेड बढ़ गए 300 + 420। अब सुनो, वाई जो है ना वो 50% इसको बेनिफिट देता है, 50% इसको बेनिफिट देता है, एक्स को कुछ बेनिफिट नहीं देता। अब बताओ मैं यहां से उठाऊं कितने? 420, किसको एलोकेट कर दूं? रीएलोकेशन ऑफ वाई, कितना? और ये 0, ऐसा? अब सुनो सुनो सुनो, अब सुनो सुनो, मुझे बताओ अगर मैं पहले वाई को एलोकेट करता तो, पहले वाई को एलोकेट करता तो क्या होता? अगर मैं वाई को पहले एलोकेट करता तो सर ए और बी में एलोकेट कर देता, फिर मैं एक्स को एलोकेट करने जाता तो ए बी और वाई को एलोकेट करता, वाई में फिर जिंदगी आ जाती तो फिर मुझे एलोकेट करना पड़ता। तो मुझे बताओ सर अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को हेल्प कर रहा हो और दूसरा पहले को हेल्प नहीं कर रहा हो, मुझे बताओ यहाँ एक्स वाई को हेल्प कर रहा है लेकिन वाई जो है वो एक्स को हेल्प, तो आप सबसे पहले किस डिपार्टमेंट की कॉस्ट एलोकेट करेंगे?
जो बहुत सारों को हेल्प कर रहा है, ऐसा। फिर उसके बाद नंबर टू पे किसको एलोकेट करेंगे, जो कंपैरेटिवली कम को हेल्प कर रहा है। बताओ सर, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स किस किस को हेल्प कर रहा है? ए को भी हेल्प कर रहा है, बी को भी हेल्प कर रहा है, वाई को भी हेल्प कर रहा है। तो पहले इसको एलोकेट कर दो, इससे एक्स खत्म हो जाएगा, वाई की कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर उठा के वाई को एलोकेट कर दो। ऐसा सर, ये कॉपी यार आपने करना है। क्वेश्चन नंबर छह, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है? क्वेश्चन नंबर छह किताब का क्वेश्चन नंबर छह नहीं, thank you।